हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको विंटर वेयर्स कैसे वॉश करना है वॉश वॉशिंग मशीन में, और इसमें आपको किन किन बातों का इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, तभी आपकी जो विंटर वेयर्स है वो अच्छे से धुलेंगे और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। जो आज मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ, इसमें आप एकदम नए अगर वुलन कपड़े हैं, जैकेट्स हैं, कुछ भी है तो वो भी आप वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल घर के जो ब्लैंकेट्स हैं, इसी मेथड से आप वो भी वॉश कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने वॉश वॉशिंग मशीन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और ये मेरा सेकंड चैनल है, कविता लाइफस्टाइल ब्लॉग, तो उस पर भी मैं वीडियोस अभी डाल रही हूँ। और इससे पहले मैं कविता गुप्ता कुकिंग टिप्स में डालती थी, तो वो मेरा कुकिंग चैनल है, तो इसीलिए मैं अपने व्लॉग चैनल में ही सारी वीडियोज़ डालती हूँ। तो आप मेरा व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इतने सारे विंटर्स वेयर रखे हैं, ये कम से कम 9 विंटर वेयर्स हैं, और अच्छे भी हैं, नॉर्मल घर में पहनने वाले भी हैं, बाहर के पार्टी वेयर भी हैं। तो मैं सारा आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो जैकेट है, ये पार्टी वेयर जैकेट है, तो मैं इसको आपको वॉश करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो भी वुलन कपड़े डालने हैं उसे आपको सीधा कर लेना है, सॉरी सीधा नहीं, उल्टा कर देना है। सीधे कपड़े करके कोई भी आपको वॉश नहीं करना है, और पॉकेट्स चेक कर लें कि इसमें कुछ है तो नहीं। तो सारे जैकेट्स को उल्टा करते हुए इस वॉशिंग मशीन में डाल देना है। ये देखिए, सब के सब जैकेट्स हैं, ये दो, ये नॉर्मल ऊन का जैकेट है, लेडीज जैकेट है ये, तो इसे भी उल्टा करके मैं डाल दे रही हूं। 3, ये 4, ये उल्टा है ऑलरेडी, ये 5, ये देख रहे हैं आप कितना मोटा मोटा जैकेट है ये मैं धो के सब दिखाऊंगी। 6, ये भी वुलन टी शर्ट है फुल स्लीव्स का। 7, और ये 8। इसी के साथ में ये सॉक्स भी वुलन है, ये भी डाल दे रही हूं। तो आप देख सकते हैं जो ड्रम है उसका 80% यहां तक कपड़े आ रहे हैं, यहां तक कपड़े आ रहे हैं, इसका मतलब कि मैंने 80% इसमें डाला है। वुलन में कपड़े धोने हैं तो बहुत ज्यादा ठूस के कपड़े नहीं धोने हैं, बहुत ज्यादा भर के ड्रम नहीं होना चाहिए, 70-80% ही ड्रम का आपको डालना है। क्वांटिटी में मैंने बता दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 वुलन जैकेट्स यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो ये तो हमने कपड़े डाल दिए, डोर को लॉक कर देंगे। चलिए, अब मैं आपको इसकी सेटिंग बता देती हूँ, और कैसे डिटर्जेंट डालना है, कैसे इजी डालना है वो भी बता देती हूँ। तो वुलन को वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ सर्फ एक्सल का लिक्विड फ्रंट लोड डिटर्जेंट का है ये, यहाँ पे देखिए अलग से लेबल लगा हुआ है, फ्रंट लोड लिखा है तो वही हमें लेना चाहिए। इसी के साथ साथ विंटर वेयर्स है तो इसलिए मैं इजी का भी यूज करूंगी, तो मैं आधी क्वांटिटी इजी डालूंगी, आधी डालूंगी सर्फ एक्सल का लिक्विड डिटर्जेंट। तो यहाँ पे ट्रिक ओपन कर देना है, मेन कंपार्टमेंट जो कि सेकंड कंपार्टमेंट है तो इसमें डालेंगे डिटर्जेंट, और जो ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है इसमें मैं डालूंगी इजी। कितना हमें डिटर्जेंट डालना है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। मैं कई बार धोती रहती हूँ तो मुझे अंदाजा लग गया है, तो मुझे अब नापने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा डिटर्जेंट नहीं डालना है वुलन में, कोशिश करें कि डिटर्जेंट कम ही डालें। और यहाँ पे फर्स्ट वाले में डाल दूंगी थोड़ा सा इजी, क्वांटिटी इजी का भी देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच डाला है, वो भी मीडियम साइज का टेबल स्पून। तो यहाँ पे डिटर्जेंट, यहाँ पे इजी डाल दिया है, ड्रॉर को बंद कर देंगे, प्लग मैंने ऑन कर दिया है। अब विंटर वेयर्स के लिए हमें यहाँ पे चाहिए
वूल सेक्शन में हमें धोने हैं विंटर्स वेयर, तो वूल सेक्शन जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट्स, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आ जाएगा ठंडे पानी। वूल में हमेशा कपड़ों को ठंडे पानी में ही धोना चाहिए, तभी कपड़े डैमेज नहीं होते हैं। गर्म पानी में कभी विंटर वेयर्स के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो इस मशीन में ऑटोमेटिक सेटिंग था तो ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसका सिस्टम है वो लेगा ओवरऑल, अगर मशीन को लगेगा कपड़े ज़्यादा हैं अच्छे से नहीं वॉश हो रहे हैं तो वो अपने आप टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकता है। अगर उसे मशीन में लगेगा कि हाँ कपड़े कम है वेट के अकॉर्डिंग तो वो टाइम को कम भी कर सकता है। तो थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा होता रहता है, उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी है, अब यहाँ से हमें बस स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करते ही डोर लॉक हो गया, यहाँ पे साइन आ गया है और देखिए यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं जिसका ये वॉश 40 मिनट्स का है तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बस बताती रहूंगी जिससे कि आप एक दो मिनट और लगे और मेरा वीडियो ये कंप्लीट हो जाए, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे सारा डिटर्जेंट कपड़ों में आ गया है, पानी के साथ जो भी हमने इजी डाला है डिटर्जेंट डाला है वो सारा का सारा आ गया है नीचे में और वो कपड़ों के साथ मैश हो रहा है। मैश होने के बाद वूल में जो सिस्टम है वो ये है कि कपड़ों को एक बार डिटर्जेंट और पानी के साथ मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा सोक करके रखता है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट कपड़ों को सोक करके रखेगा जिससे कि इसकी गंदगी है जो अच्छे से फूल जाए और वो जब हम पानी के साथ वॉश जब ये करें तो वो ईजिली निकल जाए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में 5-10 मिनट ये कपड़ों को सोक करेगा। तो अभी इसको जितना पानी चाहिए उतना लेके अभी ये डिटर्जेंट के साथ इजी के साथ कपड़ों को मैश कर रहा है। तो यहाँ पे कपड़े सोक हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 36 मिनट से, मतलब 4 मिनट तक इसने कपड़ों को डिटर्जेंट के साथ मिक्स किया है और अब यहाँ देख सकते हैं कपड़े सोक हो रहे हैं। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट तक ये ऐसे ही सोक रहेंगे। तो यहाँ पे कपड़े रिंस हो रहे हैं, तो रिंस होने के बाद ये हल्का सा पानी अभी ड्रेन कर रहा है, निकाल रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे स्पिन होगा। ये देखिए पानी आ रहा है अभी, अभी एक बार और रिंस होगा, एक दो बार हो चुका है, ये थर्ड टाइम रिंस होने जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पानी आ रहा है, तो यहाँ पे जब रिंस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं स्पिन का भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्पिन हो रहा है, सिर्फ 3 सेकंड्स बचे हैं। यहाँ पे कपड़े वॉश कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीट होने के बाद हमें एक काम और करना है, वो क्या मैं अभी आपको बताती हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा, वो काम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वूल फंक्शन में वॉश कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद वूल में अक्सर बहुत कम पानी का यूज़ करता है तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट रहता है कि इसमें कहीं डिटर्जेंट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम एक बार रिंस भी करेंगे जिससे कि थोड़ी भी शिकायत कपड़ों में ना रहे। तो देखिए यहाँ पे रिंस मैंने सेलेक्ट कर दिया है, 19 मिनट्स ले रहा है। रिंस में क्या करेगा, कपड़ों को फिर से पानी से एक बार धोएगा और उसके बाद स्पिन करेगा, अलग से स्पिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिंस में ही इंक्लूड रहता है। तो आप जब भी वुलन को वॉश करें तो उसके बाद एक बार रिंस भी जरूर करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहां से मैं स्टार्ट कर दे रही हूं। तो यहां पे रिंस प्रोसेस का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, यहां पे मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है।
तो यहाँ पे रिंस भी कंप्लीट हो गया है। अब मशीन को बंद कर देना है और यहाँ मैं डोर ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे वॉश हुए हैं। ये देखिए कपड़े कितने हल्के हो गए हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, एकदम भी पानी इसमें नहीं है। ये देखिए कितना हल्का है, आप देख सकते हैं कितना हल्का वेट हो गया है, पूरा का पूरा पानी इसमें निकल गया है। बस इसमें मुझे 1 घंटे धूप में दिखाऊंगी तो ये कपड़े सारे सूख जाए। 1 घंटे क्या, अगर आधे घंटे भी अगर अच्छी धूप है तो आधे घंटे में ये कपड़े सूख के रेडी हो जाएंगे, आपको थोड़ी भी ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से कपड़े वॉश हो गए हैं, इसी तरीके से आप भी धोइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। इसके अलावा और भी कोई डाउट है, कोई भी परेशानी आपको आती है बॉश वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और मेरे नए चैनल कविता लाइफस्टाइल व्लॉग को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब वीडियोस बॉश वॉशिंग मशीन से रिलेटेड उसी में डालती हूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।